प्यारे दोस्तों और शिव भक्तों, आपको इंटरनेशनल योग डे जो 21 जून को है उसकी बधाई हो और शुभकामनाओं के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम सबको योग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इससे जीवन स्वस्थ होगा, हम निरोगी तो होंगे ही होंगे, हमारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति भी हो जाएगी। इसी पे विराग बनाते हैं। योग अपनाओ, योग अपनाओ, योग अपनाओ, योग अपनाओ, जीवन सफल बनाओ, जीवन दिव बनाओ। योग पूर्ण विज्ञान है, योग पूर्ण विज्ञान है, ये महाविज्ञान है। योग पूर्ण जीवन शैली और सुंदर चिकित्सा पद्धति है, योग पूर्ण जीवन शैली और सुंदर चिकित्सा पद्धति है। योग प्राणों को रब से मिलाता है, योग प्राणों को रब से मिलाता है, आत्म विद्या भी हमें समझाता है। कितना बड़ा काम करता है योग, व्यक्ति निर्माण के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का विकास करवाता है। योग तनाव, अशांति, आतंकवाद और अज्ञान से मुक्त करवाता है, अज्ञान से मुक्त करवाता है। हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग, हर समुदाय इसको अपनाते हैं, इसको अपनाते हैं, क्योंकि योग पूर्ण विज्ञान है, योग महाविज्ञान है, ये आत्म विज्ञान है। योग स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण करता है, योग स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण करता है। विरागी हो, तपस्वी हो या गृहस्थी हो, ये सबके लिए आवश्यक है, ये सबके लिए जरूरी है। योग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक बल बढ़ाता है, मानसिक बल बढ़ाता है, मानवता को मानवता के गुणों से भरपूर करवाता है, मानव की उन्नति करवाता है। योग निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है, योग एक निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है, इसको कोई भी अपना सकता है, सस्ता है, फ्री है। जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, ये समय की मजबूरी है, जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, ये समय की मजबूरी है। बधाई हो सरकार को, बधाई हो सरकार को कि उसने योग को योग दिवस माना है, जिससे विश्व ने इसे पहचाना है। योग से भारत को स्वस्थ बनाना है, फिर गरीबी रेखा को हटाना है, भारत को योगमय बनाना है, विश्व को ये करके दिखाना है, विश्व को ये करके दिखाना है। योग पूर्ण विज्ञान है, जो आत्म को आत्मदेव से मिलाता है, शिव भक्त को शिवो हम बनाता है। योग अपनाओ, योग अपनाओ प्यारो, योग अपनाओ, जीवन को सफल बनाओ। हर हर महादेव। तो प्यारे दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने और विश्व ने योग को अब एक्सेप्ट कर लिया है। हम सबको अपने जीवन में सुबह उठ के योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर निरोगी नहीं है, ये जीवन पशु समान है। तो हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार हमारी इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, ये एक अच्छी बात है, इससे मानवता के गुण जगते हैं, समाज में शांति आती है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए आप भी योग करिए और आपको योग दिवस की बधाई अंतःकरण से।